टीजर आउट हो चुका है। इसमें रामचरण है, कियारा आडवाणी है। इसके पहले इसके दो सॉन्ग्स आए थे, और भी सॉन्ग्स आए थे आई थिंक, मुझे याद नहीं है, बट दो सॉन्ग्स जो थे उस पर हमने रिएक्शन दिया था। अभी हाल में एक आया था, उसके पहले भी एक आया था, हमने दोनों पे रिएक्शन दिया था। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं टीजर, एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो राम से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, लेकिन उसे गुस्सा आया तो उससे बुरा कोई बन नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? को रिलीज हो रही है फिल्म, और काफी टाइम से इस फिल्म का जो है बज बना हुआ है, क्योंकि बहुत पहले इसके सॉन्ग्स वगैरह का मतलब फर्स्ट सॉन्ग आउट हुआ था बहुत पहले ऑलमोस्ट आई थिंक 6 months हो चुके, जो फर्स्ट मंथ पे मतलब फर्स्ट सॉन्ग पे हमने रिएक्शन दिया था, 5-6 months हो चुके हमने दिया था रिएक्शन उस पे। और ये जो सॉन्ग आया था सेकंड, उस पे हमने अभी आई थिंक 1 month से हुआ होगा जो हमने रिएक्शन दिया था, दशहरे के पहले दिया था रिएक्शन हमने उस पे। तो हाँ, जैसे कि हमने बोला था कि रामचरण का लुक जो है इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग देखें तो दो लुक है ना, एक यंग वाला है कॉलेज टाइमिंग वगैरह का है, और एक मैच्योर लुक है। तो दोनों ही लुक में वो बहुत अच्छे लग रहा है, बट वो यंग लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं उनपे, क्योंकि उनका फेस है वैसा, उनके ऊपर बेबी फेस है उनका, फेस वो मैच्योर वाला फेस नहीं है। तो वो अच्छा लगता है बेसिकली, उनके ऊपर सारे कैरेक्टर्स ही बहुत सूट करते हैं, क्योंकि पुल कर लेते हैं इजिली वो किसी भी कैरेक्टर को, ढल जाते हैं। और कियारा ने तो आई थिंक इसके पहले बहुत सारी साउथ की फिल्म्स की है वैसे भी, सो उनको तो आई डोंट थिंक सो की दिक्कत हुई होगी कुछ, ये पैन इंडिया फिल्म है वैसे भी, बट यस उनको आई डोंट थिंक दिक्कत हुई होगी ढलने में, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा काम उन्होंने किया है। और अभी वैसे भी बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो है वो साउथ इंडस्ट्री में काम कर रही है, एफर्टलेसली बहुत अच्छा दे रही है। सो यस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, साउंड इफेक्ट्स वगैरह, फाइट सीक्वेंस वगैरह जो है, ये भी एक्शन फिल्म ही है। अभी ऑलमोस्ट जितने भी फिल्म हमने देखी है, 99% सारे एक्शन मूवीज ही आ रही है, बट ऐसा नहीं है कि सेम टाइप की आ रही है, डिफरेंट टाइप की आ रही है, स्टोरी लाइन अलग है, स्टोरी लाइन एंड एक्शन सीक्वेंसेस भी जो है नहीं, वो भी बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। मूवी एक्शन ही है बट स्टोरी लाइन जो है अलग अलग निकाल रहे हैं, तो वो देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है। जेनर सेम है बट डिफरेंट, स्टोरी अलग है, यूनिकनेस दिखती है। तो यस अच्छा काम किया है, और सारे ही बड़े बड़े स्टार्स की अभी फिल्म आ रही है बैक टू बैक, सो यस वी आर वेरी एक्साइटेड, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ज्यादा वक्त भी अभी है नहीं, क्योंकि टाइम निकल ही जाएगा, और इसका भी आई थिंक अब ट्रेलर आउट होगा, अभी सॉन्ग अभी ट्रेलर नहीं आउट होगा, अभी 2 months है, अभी बहुत टाइम है ट्रेलर लॉन्च होने। तो बस वही बात है ना कि बहुत पहले
निकाल देते हैं, उसके बाद जो है लोग वेट करते हैं वेट करते हैं, और काफी टाइम के बाद सब कुछ आउट होता है। फर्स्ट सॉन्ग काफी टाइम पहले रिलीज हो गया था, काफी टाइम पहले, और टीजर बहुत टाइम के बाद रिलीज हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, लोग भी वो थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं ना कि कब आउट होगा कब आउट होगा। जैसे हम लोग जब कल की देखने गए थे तो जब एंड हुई थी फिल्म तो हमें हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट थी कि सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा। वो जो फिनिश हुआ था वो फिनिश ही ऐसा नोट पे हुआ था कि उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कल्कि का इंटरवल के पहले तक जो था वो काफी बोरिंग था, बट इंटरवल के बाद से वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था, एंड जिस नोट पे मूवी खत्म हुई थी वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग। वही बात है ना कि जब ऐसे सेकंड पार्ट या फिर जब ऐसे पहले से आप बस बना के रखते हो ना तो एक एक्साइटमेंट बनी रहती है। ये मैंने साउथ इंडस्ट्री में देखा है बहुत, ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि इससे क्या है मूवी बहुत हाइप पे रहती है, एंड ये मूवी भी बहुत हाइप पे मैंने देखा था ट्विटर पे, मतलब एक्स पे, नॉट ट्विटर नाउ, तो उस पे ये ट्रेंड कर रहा था, कंटिन्यूअसली ट्रेंड कर रहा था। सो तब मुझे पता चला कि हाँ टीजर फाइनली आउट हो चुका है इसका। सो यस, काफी प्रॉमिसिंग लग रही है फिल्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आने वाला है, उसमें भी हम लोग अपना रिएक्शन लेके आएंगे। अभी नेक्स्ट तो शायद कोई सॉन्ग ही आउट हो सकता है, देखते हैं क्या आउट होता है। सो यस गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।